हेलो एवरीवन, यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा होगा। लास्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कोई 100 ग्राम का जो पार्टिकल है जिसका चार्ज तथा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, और उसके लिए हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स, उसका पाथ एंड थर्ड में उसका पोजीशन निकालना है। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड कितना दूर डिस्प्लेस हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने इससे पहले में इसका जो फोर्स का वैल्यू निकाला है वो आप जो लास्ट वीडियो है उससे आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग आज फिर से उसी प्रोसेस को अपनाते हुए आज 2 बार डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, एक डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एक निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू योर द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तथा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे टू फाइंड द पोजिशन आफ्टर 2 सेकेंड, टू फाइंड द पोजिशन आफ्टर 2 सेकेंड वी हैव टू फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए एक में लिखेंगे एस एच और एस बी। एस डिनोट करेगा आपको डिस्प्लेसमेंट को, एस एच इज रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड एस बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से पार्टिकल इनिशियल स्टेज पे रेस्ट पे था तो यू बराबर 0, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से ए जो है दैट इज योर एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू हम लोग को नोन नहीं है, बट टी इज़ द टाइम जो कि गिवन है 2 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, देन ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। यहाँ पर जो एफ है उस एफ को हम लोग फोर्स कहेंगे, बट यू कैन यूज़ आइदर द इलेक्ट्रिक फोर्स और द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज इन मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। तो इसमें ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ इज द फोर्स दैट इज 0.98 न्यूटन एंड मास आपको दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा और क्लियर वे में लिखिए, 9.8 × 10⁻¹, और मास है 100।
मास है 100 ग्राम, यानी उसको आप लिख सकते हैं 10^-1 kg। अब यहाँ से आप यदि देखेंगे तो इजीली आपको ये पता चलेगा कि ये टर्म आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम लोग एस का वैल्यू बैठाएंगे, एस बराबर 1/2 AT² और 80² / 2। एस इज इक्वल टू ए इंटू T² 2² / 2। ये जो है 2² टाइम के लिए आया और ये यहाँ से जो वैल्यू आता है वो वाला 2 है। एस इज इक्वल टू 9.8 2 × 2 / 2 कैंसल। 9.8 × 2 द डिस्प्लेसमेंट इज 19.6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया आपको 19.6 मीटर। मान लीजिए ये वाला आपको वर्टिकल वैल्यू आया, लिखेंगे सिमिलरली एस एच दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल ऑल्सो हैव द वैल्यू 19.6 मीटर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी, द डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी, सो टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर वी जस्ट हैव टू प्रोसीड अबाउट द वेरी स्पेशल फार्मूला ऑफ टू वैक्टर्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स एज वी हैव स्टडीड। इफ़ अ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर इंक्लाइंट एट एन एंगल ऑफ थीटा देन द रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वैक्टर क्वान्टिटी है, तो यहाँ से लिखेंगे एस इज इक्वल टू रूट अंडर एस एच का होल स्क्वायर एस भी का होल स्क्वायर प्लस 2 SHSV cos 90 डिग्री। चूँकि cos जो 90 डिग्री है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। S बराबर एस एच का स्क्वायर प्लस एस भी का होल स्क्वायर। यहाँ से एस बराबर अंडर रूट लिखेंगे एस एच का होल स्क्वायर प्लस एस एच का होल स्क्वायर, सिंस एस एच इज इक्वल टू एस भी। अब इसके बाद रूट अंडर 2 एस एच का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर रूट अंडर 2 SH। डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कि हमारा आया है ऑलरेडी 19.6, तो S इज इक्वल टू रूट 2 × 19.6। रूट 2 का वैल्यू 1.41 × 19.6, तो S इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा या अप्रॉक्सीमेटली 27.8 के अराउंड आएगा मीटर। दिस इज नियरली इक्वल्स टू 28 मीटर। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जो लाइन आगे प्रोसीड करेगा उस लाइन में ओरिजिन से
28 मीटर के डिस्टेंस पर पार्टिकल उस समय होगा आफ्टर द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। देन दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। एंड इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁶ कूलम। एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है जिसमें जो बॉब है उसका मास आपको कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम है, और साथ में आपको ये दिया हुआ है कि उसमें जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है। अब उसमें एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में 20 बार जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज स्विच्ड ऑन, हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मीनिंग को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 ये बता रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब जो कि लटका हुआ है, और ये जो बॉब है ये दिया हुआ है कि इस बॉब का मास 40 ग्राम है, और ये अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, और फिर अपने मीन पोजीशन पे आ रहा है, एंड अगेन नेक्स्ट साइड में अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, और एक्सट्रीम से मीन की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है ड्यूरिंग दिस ऑसिलेटरी मोशन, तो गिवन डाटा क्या क्या है, मास दिया हुआ है 40 ग्राम। इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कन्वर्ट करते हैं तो 40 × 1000 kg, दिस विल गिव यू 40 × 10⁻³ kg। मास दिया हुआ है 40 × 10⁻³ kg। अब इसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है क्यू दिया हुआ है आपको, दैट इज़ योर 4 × 10⁻⁶ कूलम, और वी कैन से दैट 4 μC। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड देन एक और चीज़ है कि 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड, 45 सेकेंड में ये जो बॉब है वो 20 बार ऑसिलेट करता है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये यदि वर्टिकली इसमें दिया गया, यदि इसमें वर्टिकली दिया गया तो आप बताइए कि यदि वर्टिकल डायरेक्शन में इतना वैल्यू इसको दिया गया तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम दैट इट विल टेक टू कंप्लीट द 20 ऑसिलेशन। तो इसके लिए हम लोग दोनों कंडीशन में अलग अलग टाइम को मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग 1 ऑसिलेशन इज गिवन बाय t = 2π √L/g।
किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसके विषय में लिखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है या जो टाइम पीरियड दिया जाता है उसको दिया जाता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। टाइम टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, जहाँ पे 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है, एल इज द लेंथ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हम लोग लिखेंगे दैट कंडीशन वन में, फॉर कंडीशन वन व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, बाहर से जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब लेट टाइम पीरियड टी वन इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन, एंड इसके बाद व्हेन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन द नेट एक्सेलरेशन, देन द नेट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉब, जब हम लोग बाहर से एक वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो कि इसके मोशन को रेसिस्ट करेगा या आप कह सकते हैं कि उसको अपोज करेगा, तो उस कंडीशन में ये जो पार्टिकल है वो नेट कितना एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए नेचुरल जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा जी, लेकिन जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ फोर्स भी अप्लाई होता है, एंड फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर सेम होगा जो कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बिकॉज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। जिस डायरेक्शन से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उधर होगा, चेंज इन वेलोसिटी भी उधर होगा, और चेंज इन वेलोसिटी होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो मान लो ये है ए, तो नीचे आ रहा है आपको जी और ऊपर जा रहा है ए, तो यहाँ से लिखेंगे कि टाइम पीरियड टी टू बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी माइनस ए। एक में लिखे टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और एक में लिखे मतलब टी वन इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी और टी टू इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए। अब हम लोग
इन दोनों इक्वेशन को डिवीजन कर देंगे तो देन व्हाट वी विल हैव, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, टी वन बाय टी टू बराबर टू पाई रूट अंडर एल बाय जी बाय टू पाई रूट अंडर एल बाय जी माइनस ए, टू पाई अंडर रूट एल बाय जी और टू पाई रूट अंडर एल बाय जी माइनस ए। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, टू पाई से टू पाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा एल से एल, तो देन यू विल हैव द रेशियो टी वन बाय टू पाई, टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाय ए बाय रूट अंडर जी। इसको यदि एक फ्रेम में रख के देखा जाए इट विल हैव टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट जी माइनस ए बाय जी। इसको एक फ्रेम में रखा जाए तो कुछ इस प्रकार से ये शो करेगा जी माइनस ए बाय जी, तो यहाँ से हो जाएगा टी वन बाय टी टू रूट अंडर जी बाय जी माइनस ए बाय जी। टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाय जी माइनस ए बाय जी। अब इसके बाद आप इसको कैंसल आउट कर दे तो यू विल हैव रूट अंडर वन माइनस ए बाय जी। अब समस्या ये है कि जो ए बाय जी है उसमें ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए क्या है, तो ए है एक्सेलरेशन, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन जो कि हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन में जैसा कि जानते हैं एक्सेलरेशन चाहिए तो आप उसको फोर्स को मास से डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मूला हो जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए बराबर एफ बाय एम, एम है हम लोग के पास 40 × 10⁻³ के जी। अब बात ऐसा है कि एफ नहीं है, अब एफ कैसे निकालेंगे, एफ कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से ए बराबर है एफ बाय एम, तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे ना एम जो है एम उसको रखने के बाद एफ के लिए एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो आप यहां से लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू ई, इसको यहां पुट कर दिए तो ए बराबर क्यू ई
बाय एम क्यू, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4×10⁻⁶, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है वो भी आपको दिया हुआ है 2.5×10⁴। चार्ज कितना दिया हुआ है, 4×10⁻⁶ × 2.5×10⁴ बाय मास का वैल्यू दिया हुआ है 40×10⁻³। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁴×10⁻⁶ बाय 40×10⁻³। यहाँ से 10⁵ में जाएगा इतना 6, तो 10⁻¹ और ये ऊपर हो जाएगा 10³ बाय 40। यहाँ से ये हो जाएगा 100, 10⁻² बचेगा बाय 40, तो ये आ जाएगा 2.5। ये वैल्यू आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया, एक्सेलरेशन। अब इसको यदि हम लोग यहाँ पे बैठा दें 2.5 को, तो देन यू विल हैव T1/T2 इज इक्वल टू √(1−2.5/9.8). तो T1/T2 इज इक्वल टू LCM ले लीजिए 9.8, और इसमें हो जाएगा 9.8−2.5। तो T1/T2 √7.3/9.8। इसको सॉल्व करने पे 0.863 आएगा। तो T1/T2 0.863। अब यहाँ से आपको T2 का वैल्यू निकालना है, तो T2 बराबर T1/0.863। तो T2 बराबर T1 आपको दिया हुआ है 45/0.863। सॉल्व करने पे आएगा 52 सेकेंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, पहले 20 ऑसिलेशन करने के लिए लग रहा था 45 सेकेंड, और अब वही 20 ऑसिलेशन करने के लिए लग रहा है 52 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिंग नेचर का अप्लाई करने के बाद उसको टाइम ज़्यादा लगने लगा। तो स्टूडेंट्स, अभी का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।